अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दी होंडा सेंटर। देखने और सुनने वाले तमाम व्यूज़ को खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारे पास जो गाड़ी है वो टोयोटा GLI है, 2017 मॉडल है। मसला आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि जो कस्टमर की कंप्लेन है कि गाड़ी चलते चलते गियर में जर्क मारती है, मतलब झटके लेती है। और दूसरा मसला ये है कि गाड़ी की पिक नहीं है, छिकाई नहीं करती गाड़ी बिल्कुल। तो गियर ऑयल इसका, जैसा कि आपने देखा था कि मैं इसका गियर ऑयल चेक कर रहा था, इसके अलावा मैं इसकी कंप्लीट ट्यूनिंग करूँगा। कंप्लीट ट्यूनिंग करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप इसका बताऊँगा, कंप्यूटर का मैन जो स्टेप है, थ्रॉटल बॉडी साफ़ करें, फ्यूल फिल्टर साफ़ करें, इंजेक्टर साफ़ कर लें, कॉइल्स चेक कर लें, कोई मिस फायर तो नहीं कर रही, प्लग चेक कर लें। उसके बाद आगे आपने क्या करना है कि स्कैनर आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, तो आपने इसको सबसे पहले ना एक्चुएशन टेस्ट में जाना है। स्कैनर लगा के एक्चुएशन टेस्ट में जाने के बाद आपको नज़र आ रहा है कनेक्ट द TC एंड TE1, इसमें जाना है। इसमें आपने थ्रॉटल की कैलिब्रेशन करनी है, इसको ऑन ऑफ करना है। आपने 3 मरतबा इसको गाड़ी स्टार्ट पे ऑन करना है और 3 मरतबा इसको गाड़ी ऑफ पे, इग्निशन ऑन पे स्टार्ट करना है। उसके बाद आपने इसकी डेटा स्ट्रीम में जाना है। डेटा स्ट्रीम में जाके आपने सबसे पहले इसकी थ्रॉटल की वैल्यूज़ चेक करनी है। ये भी आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है जैसे कि मैंने इसको देखा हुआ है। एयर फ्लो सेंसर जो है उसकी रेशो चेक करनी है, गियर ऑयल चेक करना है इसका कि भाई गियर ऑयल की रेशो क्या चल रही है। आपने रिवर्स में डाल के इसकी जो बार्स हैं उसको चेक करना है कि जो ऑयल प्रेशर सेंसर है गियर में, क्या वो काम कर रहा है और कितने बार पे काम कर रहा है, कितने परसेंटेज पे काम कर रहा है। उसके बाद आपने ऑक्सीजन सेंसर सेकंड वाला चेक करना है, मैप सेंसर की वैल्यूज़ चेक करनी है। मैप सेंसर की वैल्यूज़ 750 RPM पे 1.55 से ऊपर की वैल्यूज़ होनी चाहिए, 1.60, 62, 68, 70 के लगभग। जितनी वैल्यूज़ ऊपर होंगी उतनी गाड़ी की आपकी पिक अच्छी बनेगी और फ्यूल कम खाएगी। तो ये सारा काम मैंने आपको समझा दिया है। आगे GLI किसी भी मॉडल का, चाहे डाउन मॉडल अल्टस भी है ना आपके पास, तो उसका भी यही सेम प्रोसीजर है, यही काम आपने करना है। और उसके बाद आपने राउंड लगाना है गाड़ी का, इंशाल्लाह 100% गाड़ी क्लियर होगी। जैसा कि मैं अभी आपको आपके सामने इसको ड्राइव कर रहा हूँ, बिल्कुल स्मूथ पाँव पे गाड़ी भाग रही है। 60 पे पहले ये चाह के जर्क करती थी और 110 के बाद की स्पीड ये नहीं ले रही थी, 110 इसकी लास्ट लिमिट थी। चूँकि इसका गियर स्लिप हो रहा था तो अभी इसको मैंने चेक किया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, और बहुत आउट क्लास गाड़ी है, बिल्कुल स्मूथ पाँव पे ड्राइव हो रही है। इको लाइट ऑन है, जो मेरे सामने ये गाड़ी आ गई है तो मैं इसको स्लो चला रहा हूँ। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, इसमें आपको कुछ सीखने को मिला हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।